Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एजुकेशन. तो हम लोग होमवर्क टॉपिक कर चुके हैं, टाइम टेबल भी हमने कर लिया है, सिंगल स्कूल टीचर या मल्टी क्लास टीचिंग सिस्टम भी हम कर चुके हैं, थीम्स ऑफ ईवीएस भी हमने देख ली थी. पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि आपको 3, 4 and 5 जो आपकी बुक्स हैं 3rd, 4th, 5th क्लास की वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. या तो फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाओ, एक एक टॉपिक जो है उठा करके देखते रहो. 5th क्लास की भी और 4th क्लास की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है. फिर हमने टीचिंग मेथड्स करे थे, टीचर सेंटर्ड वाले, लेक्चर मेथड एंड डेमॉन्स्ट्रेशन भी, और साथ में हमने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी, प्ले वे वगैरह जितने भी मेथड्स हैं वो सारे हमने पढ़ लिए. आज का हम लोग का टॉपिक है एजुकेशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी. ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कौन सी भाषा से आया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली भाषाएं जो होती हैं ना, जो जिसमें मोस्टली आपके साइकोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं या सीडीपी में जो टर्म्स होते हैं वो या तो लैटिन में होंगे या तो फिर ग्रीक में होंगे. ठीक है, या तो फिर लैटिन में हो सकते हैं या फिर ग्रीक भाषा से रिलेटेड हो सकते हैं, यूनानी भाषा से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर लैटिन से हो सकते हैं. ठीक है, तो आपने बहुत खास करके इस चीज़ पे गौर करना है कि कौन सी भाषा का शब्द है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. जैसे कि एडुकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, एग्जाम्पल जैसे एडुकेशन है. लेकिन जो आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो है वो आपका ग्रीक शब्द है, जिसमें साइकी का मतलब होता है या तो आपकी सोल से हो सकता है या फिर आपकी माइंड से हो सकता है. यानी कि या तो आप अपनी आत्मा का अध्ययन करोगे या तो फिर आप अपने मन का अध्ययन करोगे. एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी. सो दिस इज बेसिकली ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है. बट लैटिन वर्ड्स भी होते हैं. तो अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि एजुकेशन जो शब्द है या एडुकेटम या एडुकेयर जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है. ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा. तो हमारा टॉपिक है एजुकेशन. शुरू करते हैं हम. सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कहाँ लेके जाओगे, ठीक है, तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगता है तो. कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत सिंपल है. कमेंट सेक्शन पे करना, मैसेज टाइप करना. तो ये आता है एजुकेशन, हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक एजुकेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जो आपको शिक्षा दी जाती थी वो इसलिए दी जाती थी कि चलो एक बच्चा जो है उसको नौकरी मिल जाए या वो अपना रोटी वगैरह कमा ले या कुछ स्किल्स थोड़े बहुत सिखा दिए. और पहले की शिक्षा तो ऐसी शिक्षा थी भी नहीं जैसे जैसे हम आजकल दे रहे हैं. उसमें पाक कला भी सिखाई जाती थी टीचर के द्वारा, यानी कि खाना कैसे बनाना है वो भी तक सिखाया जाता था. सोचो, तो पहले शिक्षा दी जाती थी ताकि आप कुछ खा कमा सको. क्या पता आप कुक ही बन जाओ, हलवाई ही बन जाओ, मतलब पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं बात कर रही हूँ. पर अब की शिक्षा जो दी जा रही है ना, हम उसमें चाहते हैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे का पूर्ण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं सर्वांगीण विकास. सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, पूरा डेवलपमेंट हो, सारे एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट हो. सारे एस्पेक्ट से मेरा कहने का मतलब था कि बच्चा काम करता है, हाथ पैर हिलाता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होना ज़रूरी है. बच्चा अपने दिमाग से बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछता है, समझता है चीज़ों को, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है. तो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, वो 10 लोगों से बात करता है, टीचर से बात करता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. वो रोता भी है, कभी कभी उसको गुस्सा भी आता है, कभी कभी उसको बहुत हंसी भी आती है, कभी कभी वो अपने दोस्तों को मतलब जैसे समझाने की कोशिश करता है या आपको सॉरी बोलता है, तो वो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है. सो बेसिकली हम चाहते हैं कि बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकली भी, यानी कि फिजिकली शारीरिक तौर पे भी अच्छे से चीज़ें कर पाए, है ना, और कॉग्निटिवली भी हो. और फिजिकली के लिए जैसे हमने पहले बात की थी टाइम टेबल की, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जैसे योगा क्लासेस हो गई या फिर पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हफ्ते में एक ही बार योगा क्लास दोगे. फिर तो आपको प्रॉपरली अच्छे से ट्रेनिंग देनी है बच्चे को, उसके फिजिकल उसमें एस्पेक्ट में अच्छे से ट्रेनिंग देनी है. तो इसमें क्या है कि फिजिकली भी ट्रेनिंग दो आप बच्चे को, ठीक है, फिजिकली ट्रेनिंग दो, उसको मोटिवेट करो, और योगा क्लासेस या जो भी चीज़ें होती है, गेम्स का पीरियड या स्पोर्ट्स का पीरियड वो लगवाओ. कॉग्निटिव के लिए तो आप पढ़ा ही रहे हो बच्चे को. फिर सोशल कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो सब भी आपको कभी थोड़ा बहुत बच्चे को समझाना चाहिए। तो आज की शिक्षा ऐसी है जिसमें हम चाहते हैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो पहले शिक्षा दी जाती थी ताकि बच्चे को नौकरी वगैरह मिल सके, पर आज जो शिक्षा हम देना चाहते हैं उसका बेसिक उद्देश्य है बच्चे का पूरा विकास हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। तो क्या हो सके? ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, एक बार लिख लेना आप, समग्र विकास हो सके, अच्छे से विकास हो सके और चहुमुखी वो हो सके। चहुमुखी मतलब चारों तरफ, ठीक है। जैसे आपने वो सुना होगा ना चक्रवर्तन अशोका, तो चक्र मतलब चक्रवर्तन का मतलब होता है चारों दिशाओं में, तो चहुमुखी मतलब सब चीज़ों का उसका विकास होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। यही एक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं ना, होलिस्टिक वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है, एक इंटीग्रेटेड वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है और दूसरा होलिस्टिक, पूरा होल, अच्छे से पूरा बच्चा जो है वो पूरा अच्छे से डेवलप होना चाहिए। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, जो अभी हमने देखा ना, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, यानी कि संज्ञानात्मक, उसका संज्ञान जिसमें ज्ञान अपने आप आ जाता है, संज्ञान यानी कि संज्ञा नात्मक, एक संज्ञानात्मक होता है यानी कि दिमाग से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चा सामाजिक तौर पे अच्छा बने, तो सामाजिक, सामाजिक का मतलब ये गलत हो गया, सामाजिक का मतलब होता है सोशली भी बच्चा अच्छा, उसका डेवलपमेंट हो। फिर हम चाहते हैं इमोशनली भी उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, मॉरल भी उसका डेवलपमेंट हो, नैतिक विकास भी हो, जो हम सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर हम चाहते हैं उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, वो कहते हैं, इसमें कहा जाता है कि हम कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, दूसरा एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ अभी, ये शारीरिक विकास हो गया, ये कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास हो गया, फिर इमोशनल सांवेगिक आपके सांवेगिक विकास, आपका सांवेगिक विकास होता है इमोशनल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट, एक ये होता है। अच्छा, लैंग्वेज किस में आएगी? बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो लैंग्वेज आप कहाँ से सीखते हो ना, यहीं से सीखते हो। अब वैसे तो ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप DSSSB वगैरह इन सब की तैयारी करोगे तो उसमें जर्नल साइंस पूछी जाती है, तो मेरा ब्रेन का टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज़ हिपोकैम्पस, ठीक है, और एक पैराइटल लोब होता है। तो इस तरह से हिपोकैम्पस में आपकी जो मेमोरी वगैरह है वो स्टोर होती है, और पैराइटल लोब में भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, तो कहने का मतलब वो उससे रिलेटेड है। तो लैंग्वेज भी आपका ब्रेन में स्टोर हो रहा है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। तो इसलिए लैंग्वेज कहाँ पर आएगा, तो कॉग्निशन के अंदर आ जाएगा, ऐसा पूछते हैं मुझसे। और उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट जो है, मॉरल डेवलपमेंट किस में आएगा, तो भैया आपका मोरलिटी आप अपने सोसाइटी से सीखोगे। मतलब शुरुआत में आपने कोलबर्ग पढ़ा होगा, तो शुरुआत में तो हमें मम्मी पापा ही बताते हैं ना, हमें टीचर्स ही बताते क्या सही है बच्चे, क्या गलत है। तो धीरे धीरे फिर आपकी खुद की मोरालिटी बनने लगती है, वो एक अलग टॉपिक है, बट मोरालिटी भी आप सोसाइटी से सीखते हो, सिंपल। अच्छा, इसमें कौन सा विकास नहीं आता? देखो, इसके अंदर वैसे सेल्फ का विकास होता है, लेकिन ब्रॉड डोमेन में नहीं आता। सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी, एक ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसे करके लिखा होता है, ये डेवलपमेंट नहीं होता, ये आध्यात्मिक विकास, ये आपका खुद का वो टॉपिक है। मतलब ये स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं आता। हम बस बच्चे का उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत विकास है, उसका सांवेगिक विकास वगैरह ये सब करवा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर नहीं आती है, ये ब्रॉड डोमेन में कहीं नहीं आती है ना। स्कूल या फिर जो भी है आध्यात्मिक विकास आपको खुद करना पड़ेगा, ये इसके अंदर नहीं आता। तो सिर्फ मुझे यही एक चीज़ तो ये बात समझानी थी। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक ये समझा एजुकेशन के बारे में कि एक तो दो तरह के लैंग्वेजेस के आपको शब्द मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। जैसे लैटिन से लिया गया है एडू, और बाकी हम अभी पढ़ेंगे ग्रीक शब्द, जैसे साइकोलॉजी में साइकी मतलब माइंड, पहले हम अपने मन का अध्ययन करते थे, फिर हम अपने मन या शरीर का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करते थे, उसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर आज तो हम व्यवहार का अध्ययन मानते हैं उसको, हम तो आज व्यवहार समझते हैं, लोग दूसरों के बिहेवियर समझते हैं। खैर, एजुकेशन में हम चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो, कुछ भी कह लो, होलिस्टिक, सब तरह का आस्पेक्ट बच्चे का डेवलप हो जाए। चहुमुखी विकास होना चाहिए, होलिस्टिक या होल डेवलपमेंट होना चाहिए, संज्ञान का विकास, संवेग का विकास, सामाजिक स्थिति में कैसे एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, सब चीज़ों का विकास बच्चे का होना चाहिए। सिंपल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अंदर हम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक विकास वगैरह पे बल नहीं देते, ना ही करवाते हैं। अब पढ़ते हैं एजुकेशन आगे। एजुकेशन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, पहली चीज़ तो। वैसे तो अभी तो एजुकेशन जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में है, बट वैसे ये जो है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो एडू केयर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एडू का मतलब तो है ही शिक्षा, केयर का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं केयर करना, थोड़ी सी उनकी क्या करना, केयर करना, यानी कि हर चीज़ का देखना कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा केयरिंग करना, उसको पालन पोषण करना, मतलब ये होता है। तो इसका एडू केयर का मतलब, वैसे तो एडू का मतलब तो होता है एजुकेट करना, ठीक है, एजुकेट करना। तो टू एजुकेट, सबसे पहली चीज़ आप बच्चे को एजुकेट करोगे, आप बच्चे को बढ़ाओगे या फिर उसको ब्रिंग अप करोगे। इसमें एक और वर्ड भी होता है टू ब्रिंग अप, यानी कि उसका पालन पोषण करना है। हमें बच्चे का क्या करना है? पालन पोषण, हमें बच्चे का पालन पोषण करना है अच्छे से, ठीक है। उसको उठाना है, उसका पालन पोषण करना है, उसको रेस करना है। तो इसमें टू रेस भी आ जाता है। टू रेस का मतलब है उसे हमें उठाना है। उठाना के मतलब ऐसे नहीं कि बेड से उठा दिया, चेयर से उठा दिया, इसका मतलब ये नहीं है। रेस का मतलब ये होता है कि हमें उसको बढ़ाना है आगे, कि वो आगे बढ़े, मोटिवेटेड रहे। तो हम उसे रेस करना चाहते हैं, उसे पालना चाहते हैं, पालना पोसना चाहते हैं, उसको पोषण देना चाहते हैं, उसे रेस करना चाहते हैं। शिक्षा का मतलब यही है, एडू केयर का मतलब यही है कि उसका पालन पोषण हो सके अच्छे से, ताकि बच्चा आगे बढ़े, वो पीछे ना रहे, वो आगे ही बढ़े। तो ये होता है एडुकेयर, जो कि लैटिन से ही लिया गया है। फिर एक और वर्ड में कंफ्यूज करते हैं, एडुसियर। पहले एडुकेटम पढ़ते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग कह सकते हो आप, टीचिंग ट्रेनिंग, यानी कि पढ़ाना सिखाना, यानी कि शिक्षण कैसे दिया जाए बच्चों को, वो सिखाने को हम कहते हैं टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग का क्या कहा जाता है? द एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि बच्चे से क्या करवाना, बच्चों को पढ़ाने की, यानी कि जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं ना, प्यूपिल टीचर होते हैं, जब आप उनको सिखाते हो कि कैसे पढ़ाया जाता है, उसको एडुकेटम कहते हैं। यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, इसकी जो शिक्षा है, उसको कहा जाता है द एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि एडुकेटम। शिक्षण कार्य करवाना, या आप किसी को शिक्षित कर रहे हो कि किसी को शिक्षा कैसे दी जाती है, मतलब पढ़ाने के बारे में पढ़ाना, कि पढ़ाना कैसे है उसके बारे में समझाना, एडुकेटम कहलाता है। तो पहला हो गया एडुकेयर, कि बच्चे को हमने बिल्कुल केयर के साथ, बिल्कुल उसका ध्यान वगैरह रख करके उसको आगे बढ़ाना है, उसको ब्रिंग अप करना है, उसका पालन पोषण करना है, उसको आगे बढ़ाना, उसको रेस करना है, जो कि एक लैटिन शब्द है। और फिर आता है एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग प्रोसेस में आप कैसे टीचिंग सिखाओगे किसी को, वो चीज़ को हम कहते हैं एजुकेटम। फिर आता है एडुसियर, इसमें बहुत चीज़ें हैं। एडुसियर ये भी सेम लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि आगे लाना, टू ब्रिंग फोर्थ, आगे लेकर के आना बच्चे को, ठीक है, उसको रास्ता दिखाना। टू, इसको हिंदी में कहते हैं रास्ता दिखाना, या टू लीड आउट, या फिर एक रास्ता दिखाना, ठीक है, उसको पथ दिखाना, उसको पथ प्रदर्शन करना बोलते हैं ना, कि मुझे पथ प्रदर्शन करो मेरा, हम आपके पथ चिन्हों पे चलना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंधाधुंध तरीके से किसी के भी पथ चिन्हों पे चलते रहो, किसी के भी स्टेप्स को फॉलो करते रहो, ऐसा भी नहीं, अपना लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, बट बच्चे में जो एबिलिटीज़ है उसको लेकर आना। टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर जो इंटरनल चीज़ें छुपी हुई हैं, जो टैलेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, स्किल एंड टैलेंट में क्या डिफरेंस है, पता नहीं आप लोग बता पाओगे या नहीं, पर आप अगर बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में बताना। पर अगर आपने नहीं बताया तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। स्किल का मतलब होता है जो आप एक्वायर कर लो, जैसे कि एक्वायर कर लो इन द सेंस कि जैसे कहीं जा कर के आप कोई स्किल सीख लो, ठीक है, कोई भी तरह का स्किल सीख लो आप, जैसे स्विमिंग तरह एक स्किल है, हर किसी को तो नहीं आती ना, तो ये स्किल हो गया, मान लो आप इस चीज़ में अच्छे हो। कुकिंग भी एक स्किल होता है, बेसिकली आपने कुकिंग सीख ली। एक होता है कुकिंग करना, जो कि आप अपना पेट भरने के लिए कर रहे हो, और दूसरा होता है कला के रूप में, जिसमें वो प्लेट के अंदर कैसे सजाना है, कैसे काटनी है चीज़ें, और ये सब तो एक कला होती है जो आप सीखते हो। तो जो स्किल होता है ना, वो लर्न किया जाता है, ठीक है, वो लर्न किया जाता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है, वो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, बल्कि टैलेंट जो होता है वो आपके अंदर होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आपको कई बार नाउन वगैरह में कंफ्यूज करने के लिए भी डाला जाता है, स्किल एंड टैलेंट, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ठीक है। तो टैलेंट क्या होता है? जो आपके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर हिडन टैलेंट है, जैसे आपकी वोकल कॉर्ड इतनी सुरीली है कि आप मतलब इतना अच्छा गाना गाते हो, तो दैट इज़ योर टैलेंट। और टैलेंट को थोड़ा सा अगर आपने मॉडिफाई इन द सेंस थोड़ा सा और आपने पॉलिश कर दिया, तो फिर वो आप बहुत अच्छा सिंगर बन सकते हो, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो। तो ये टैलेंट एंड स्किल में डिफरेंस होता है। एनीवेज, मुझे ये बताना था आपको, एडुसियर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है, आपके अंदर की जो एबिलिटी है, उसको बाहर लेकर आना। हम चाहते हैं कि आपके अंदर की जो इनेट एबिलिटी है वो बाहर आए। इनेट यानी कि जो आपके अंदर की एबिलिटी है, इनेट ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इनेट एबिलिटी इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है। इनेट एबिलिटी यानी कि आपके अंदर की जो क्षमता है, अंदर की आपके अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको बाहर लेकर आना कि आप क्या कर सकते हो। देखो, जब तक कि आप किसी सिचुएशन में पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये आप कर सकते थे कि आप ये नहीं कर सकते थे। कई बार मैंने अपने आप से सवाल पूछा, कई बार पूछा है कि क्या मैं एक दिन में, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है आपको या तो बहुत सारा काम करना पड़ता है या फिर आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी तो आपको खुद चीज़ें करते करते पता लगता है कि अरे मेरे अंदर ये पोटेंशियल था, मैं ये कर सकता था या मैं कर सकती थी। तो हमेशा चैलेंजिंग टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहना चाहिए, तो ये आपकी इनेट एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। लेकिन हमें बच्चे को पहचानना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जर ऐसा मत करना कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है, ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल ही तुम इसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं बोलना है हमें उसे। बस ये है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कहीं और होगा उसका इंटरेस्ट, वो उसको खोज के निकालो, क्या पता वो उसी चीज़ के अंदर उसी इंटरेस्ट में कुछ और अच्छा कर ले। तो हमको बच्चे के इनेट एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो उसका नेचुरल टैलेंट है हमें उसको बाहर निकालना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये था इसके अंदर। और दूसरा आता है आपका E+DUCO, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये इसी से रिलेटेड है। E का मतलब होता है अंदर, ठीक है, फ्रॉम विदिन यानी कि अंदर, एंड ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि उनका नेचुरल टैलेंट बाहर आ सके, ठीक है, अनन्या पांडे वाला नहीं, नेचुरल टैलेंट बाहर आ सके जो वो एक्चुअली कर सकता है बहुत अच्छे से। तो ई का मतलब है फ्रॉम विदिन, फ्रॉम विदिन अंदर से, फ्रॉम विदिन, एंड ड्यूको मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ बाहर निकालना। शिक्षा के माध्यम से कर सकते हो आप चीज़ें, आपको बच्चों को बहुत बहुत देर तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे के अंदर ये वाला हिडन टैलेंट है, ये चीज़ वो कर सकता है। तो ये कुछ वो थे, ये कुछ शब्द थे लैटिन भाषा के जो ज़रूरी हैं। तो हमने अभी तक यही देखा कि एजुकेशन पहले नौकरी मिल जाए इसलिए दी जाती थी, लेकिन आज हम चाहते हैं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके संज्ञान का, उसके ज्ञान का, सभी चीज़ों का विकास हो सके बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम कुछ, ठीक है। एक होता है बाइपोलर, बाइपोलर प्रोसेस कह लो या बाइपोलर टीचिंग वगैरह कह लो, तो बाइपोलर प्रोसेस होता है एक तो, और एक होता है ट्राईपोलर, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम पहले बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है यानी कि आपको पढ़ाने के लिए ना सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चाहिए टीचर और दूसरा आपको चाहिए स्टूडेंट, दैट्स इट। ये कहा था एडम्स ने, एडम ने, ठीक है। ये किसने कहा था? एडम ने। ये वेडनेसडे एडम नहीं है, ठीक है, अगर जिन्होंने भी वेडनेसडे देखी होगी। एनीवेज, ये टीचर स्टूडेंट ही चाहिए बस। ये बाइपोलर प्रोसेस है, ये एडम ने कहा है कि जिसमें एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा बस, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक है जॉन ड्यूई, जॉन डीवी भी कह देते हैं बट जॉन ड्यूई ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। जॉन ड्यूई जो है वो कहते हैं एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। क्या कहते हैं? एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। ट्राईपोलर का मतलब है कि जिसमें तीन चीज़ें होंगी, टीचर होगा प्लस स्टूडेंट होगा प्लस होगा आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कह लो या करिकुलम कह लो। यानी कि अब सीधी सी बात है, टीचर तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक लर्नर हो, ठीक है, मैंने भी कहीं से लर्न करके आपको समझा रही हूँ। तो कहने का मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट भी तो है। अगर मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा शोर आ जाए, ठीक है, जैसे मेरी जो डॉगी है अगर वो बहुत ज़्यादा भौंकने लगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? थोड़ा शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें मैं अपनी बातें जो भी आपको कहूँ वो आपको कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। कई बार बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसी में करिकुलम आता है, इसी में टॉपिक आते हैं, इसी में टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ आती है। यानी कि सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट भी नहीं, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि एक और फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर एनवायरनमेंट और द करिकुलम और द कंटेंट और एनवायरनमेंट, या जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। तो जॉन ड्यूई कहते हैं कि इट्स अ ट्राईपोलर प्रोसेस, जिसमें वो कहते हैं टीचर स्टूडेंट और एनवायरनमेंट, यानी कि टीचर होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए यानी कि छात्र होना चाहिए, और साथ में पर्यावरण। पर पर्यावरण वो फूल पत्ती पौधे वगैरह नहीं, पर्यावरण यानी कि एक अच्छा वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सके। ये जॉन ड्यूई कहते हैं, जबकि एडम कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक टीचर चाहिए और एक स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के अपने अपने विचार हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में आप अपने अपने जो भी विचार हैं एजुकेशन के अंदर वो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये जॉन ड्यूई जो है वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, ये मुझे लग रहा है एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, एक बार हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लैटिन शब्द वगैरह। तो हमने देखा कि ट्राईपोलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये। तो ये कौन है, जॉन डूई के बारे में पढ़ते हैं। एडम के बारे में बस आपने इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि उन्होंने से बाईपोलर प्रोसेस के बारे में बात करी है। जॉन डूई के बारे में बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, मैंने पहले भी लिखा है ये, एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। तो एजुकेशन क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जिसमें एक टीचर होती है, एक स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है या इन्वायरमेंट होता है, कुछ भी कह लो आप। टीचर होती है इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जिसमें टीचर इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करवा रही हैं, जबकि स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है क्योंकि उसे अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। एंड करिकुलम जो है वो इंटरवीनिंग होता है। इंटरवीनिंग मतलब ये बीच बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करिकुलम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एनवायरनमेंट भी। अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके पर्यावरण के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ है या कहीं पे कुछ शोर शराबा हो रहा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये भी चीज़ें आपको इंटरवीन करती है, बीच में दखल देती हैं, इंटरफेयर करती हैं, ऐसा समझ लो, बट इंटरवीनिंग चीज़ें हैं। तो टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और उसके बाद ये आपका करिकुलम भी है। टीचर इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र चर कहा जाता है, वेरिएबल को कहते हैं चर, स्वतंत्र चर है, ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें कराएंगी। रिमेंबर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर बिल्कुल एक्टिवली सारी चीज़ें करी थी, बच्चा पैसिव था। तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पर बच्चा तो डिपेंडेंट है ना एजुकेशन के लिए। यही चीज़ें हैं कि हमें तो थोड़ी सी ये है कि चेंज करने की, टीचर से डेमोक्रेसी बच्चे के अंदर आए, यानी कि बच्चा जो है वो स्वतंत्र हो अपनी बातचीत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें डेमोक्रेटिक एजुकेशन हमको देनी है। तो ये जॉन डूई बात करते हैं इसकी, ये भी सब हम देख चुके हैं। एजुकेशन में हम चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो। तो ये जॉन डूई के बारे में था कि एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। टीचर जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, बच्चा जो है डिपेंडेंट है क्योंकि वो टीचर से वो ज्ञान ले रहा है, और करिकुलम होता है इंटरवीनिंग है, वो दोनों को ही सहयोग भी करता है और कभी कभी मतलब सहयोग ही करता है, एक तरीके से इंटरवीनिंग चीज़ है। फिर आता है ये कौन है, ही इज़ एन अमेरिकन, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट लिख लो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं ये, सो ही इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड रखना है, बच्चे के हिसाब से चलना है, सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से करनी है जितना हो सके। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट दो। अच्छा, डेमोक्रेटिक का मतलब है जिसमें आप बोल पाओ, बच्चे की सुनो, बच्चे को इन्वॉल्व करो, ठीक है। कोलैबोरेटिव, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दो, साथ में सिखाओ उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन में भी ये इसके अंदर बात आती है जिसको हम प्रजातांत्रिक शिक्षा कहते हैं। प्रजातांत्रिक का मतलब यही है कि प्रजा की सुनो, प्रजा यानी कि जो आपका स्टूडेंट है आप उसकी सुनो, ठीक है। उनके हिसाब से थोड़ा सा चलो, वो कैसे पेस पे पढ़ते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होता है, तो आपको सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन क्या है, एक ये कहते हैं कि एजुकेशन सोशलाइजेशन भी है। क्या कहते हैं ये, एजुकेशन इज़ अ सोशलाइजेशन, मतलब एजुकेशन का जो एम है, द एम ऑफ एजुकेशन, दो मैं आपको इनकी बातें लिखवा देती हूँ। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू सोशलाइज द चाइल्ड, यानी कि इसका मतलब एक तो ये सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण हो, यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण हो, वो उठे बैठे समाज में तो उसको पता हो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार नहीं करना है। तो बच्चा खुद ही सीखे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये कहना चाहते हैं, सोशलाइजेशन हो जाए, ठीक है। और बच्चे को आप जितना हो सके एक दूसरे से सिखाओ, एक दूसरे से यानी कि ग्रुप वगैरह में सिखाओ, उनको एक्टिविटीज़ दो ताकि वो इन्हीं एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस ले करके सारी चीज़ें सीखें। तो ये है द एम ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का एम है वो क्या है कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो, यानी कि समाजीकरण हो। हम चाहते हैं बच्चे का समाजीकरण हो, बच्चा समाज में उठे बैठे। और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील हो, बच्चा प्रगति के पथ पे बढ़ता रहे, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, सब कुछ बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। इसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि बच्चे को बोलने का मौका मिले। फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से करो, उनके रेट के हिसाब से चलो। रेट यानी कि दर, कहने का मतलब है कि हर बच्चा जो है वो अपने दर से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, तो सॉरी, तो उनके दर के हिसाब से चलो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर एक और चीज़ है, एक और डेफिनेशन है, वैसे इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन, इन्होंने ही बोला है जॉन डुई ने, एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। यानी कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन लाइफ की प्रिपरेशन नहीं है बल्कि ज़िंदगी ही है, एजुकेशन ज़िंदगी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चे को उसके डेली एक्सपीरियंस, मैंने आपको मैथ्स में भी बताया था ना कि मैथ्स में मैथ्स पेडागॉजी के अंदर बच्चों को उसके डेली लाइफ से जोड़ो आप, कि आप जा रहे हो किसी जगह पे, आपने ये ख़रीदना है, कितने रुपए का है, क्या है, कितने पैसे देने, कितने मिलने चाहिए, उससे आप प्लस माइनस सिखा सकते हो बच्चों को, उससे आप मल्टीप्लाई वगैरह चीज़ें सिखा सकते हो। तो ये है एजुकेशन, प्रिपरेशन नहीं है लाइफ के लिए बट ये लाइफ ही है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो, सामाजिक के हिसाब से सीखते हो, समाज से सीखते हो, इमोशनली भी सीखते हो, अपने खुद के ज्ञान से भी सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ठीक है, तो हमने बच्चों के अंदर पहली बात तो सोशलाइजेशन का मतलब है सोशल क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है ये उनको पता होना चाहिए, सोशल क्वालिटीज़ आप सिखाओ, वो डेवलप करवाओ बच्चा ताकि स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने ट्राईपोलर प्रोसेस समझ लिया है, एडम्स वाला भी समझ लिया, ये ज़रूरी था। फिर आती है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आप एक बार देख लेना कि स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करता है, बाकी सारे चीज़ों का विकास यहाँ पर होता है। हम पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन कि कितने प्रकार की एजुकेशन होती है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये सेम टॉपिक हमारे नेट के एग्ज़ाम में भी आता है, सीधा साधा बिल्कुल ऐसा ही। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आती है पहले तो फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि आप लोग स्कूल गए होंगे सारे के सारे, आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिला होगा जहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे टीचर आएंगे, कभी एब्सेंट हो गई तो वो अलग बात है बट इसी टाइम पे टीचर का पीरियड लगा हुआ है तो मैम आएंगी आपको पढ़ाएंगी या सर आएंगे आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ प्री प्लान्ड है, कब कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है सब कुछ प्लान्ड है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है जो कि आपको औपचारिक तौर पे मिल रही है, औपचारिक तौर पे कि एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम है उसी पे आना, जैसे 8 बजे का आपका स्कूल है तो 8 बजे आपको आना ही आना है, आप लेट नहीं होंगे। ठीक है, कई बार लेट हो जाते हैं तो भी थोड़ा लेट एंट्री मिलती है पर मिल जाती है। तो इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड है, इसका विशेषता ही यही है कि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। कहाँ पे? फॉर्मल एजुकेशन में एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से स्टार्ट होता है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिखते जाऊँ तो ये स्कूल से शुरुआत हो जाती है इसकी। सारे ही फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड हियर, सब कुछ फिक्स्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही ऑर्गेनाइज करके संगठित करके निर्धारित करके रखा होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, क्या पढ़ाना है, कितना टाइम पढ़ाना है, क्या करिकुलम होगा, एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे सब कुछ फिक्स्ड है, आपका करिकुलम भी फिक्स्ड है, सिलेबस मान लो सिलेबस भी आपका फिक्स्ड है, लेसन्स भी इसमें फिक्स्ड होते हैं, टाइम भी इसमें फिक्स्ड होता है, पीरियड भी इसमें फिक्स्ड होते हैं कि इतने इतने देंगे, कभी कभार एक आध और लगवा देते हैं। करिकुलम, टाइम वगैरह सब कुछ, मतलब क्या पढ़ाना है क्या नहीं, सब कुछ कितना समय में पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ फिक्स्ड होता है, तो प्री प्लान होता है। इसमें आपको ना सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ जी आपने यहीं से अपनी 12th या 10th जो है वो की है, आपको यहाँ से मार्कशीट मिलती है, या आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपको वो भी मिलेगा। इसमें आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, क्या चलती हैं? रेगुलर क्लासेस चलती हैं। स्कूल की एजुकेशन और आपके कॉलेज की एजुकेशन बिल्कुल ऐसी ही होती है, या फिर अगर आपने ये जो इससे पहले क्या करते हैं हम जेबीटी वगैरह, डीएलएड बीएलएड या बीएड वगैरह जो भी होता है ये भी रेगुलर होता है, इसमें रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। यानी कि इसके अंदर क्या है कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, एम डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है, बहुत कम फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, करिकुलम वगैरह सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? फॉर्मल एजुकेशन। दिस इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन, जो औपचारिक शिक्षा होती है, ये हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एजुकेशन में। फॉर्मल जो हमें स्कूली शिक्षा मिलती है, विद्यालयी शिक्षा होती है, वो ये वाली होती है। ठीक है, फिर आता है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, फिर आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आप अपने घर से सीखते हो। ठीक है, इसे कहते हैं हम अनौपचारिक। जो भी विशेषताएं इसकी थी ना, वो सारी विशेषताएं उल्टी उसकी होंगी। यानी कि यहाँ पे टाइम डिसाइडेड है, अनौपचारिक में कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, नो फिक्स्ड क्या टाइम, टाइम भी फिक्स्ड नहीं है, कोई करिकुलम पहली बात तो होता ही नहीं है, ठीक है, कोई लेसन इसके अंदर होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ना टाइम डिसाइडेड है ना कुछ डिसाइडेड है, कोई सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई मार्कशीट इसमें नहीं मिलती। ये सब कुछ ना हम अपने एक्सपीरियंस से दूसरों से बातें करके सीखते हैं, तो बच्चा व्यवहार के द्वारा भी बहुत चीज़ें सीखता है कि हमारी दादी हमारी नानी कैसा व्यवहार करती है, हमारी मम्मी और हमारे पापा कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे भाई बहन किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करते हैं, जब कोई गुस्सा हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये सब कुछ जो बच्चा है वो एक इनफॉर्मल सेटिंग में घर के अंदर सीखता है जहाँ पर सब कुछ फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसमें सारी ही चीज़ें क्या है फ्लेक्सिबल हैं, किसमें अनौपचारिक में, अनौपचारिक ही पढ़ रहे हैं हम, इनफॉर्मल, इसमें क्या है सब कुछ चीज़ें में फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो सुनाई तो दे रही होगा ना, तो सुन लेना आराम से, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। तो सारे फैक्टर्स जो हैं बड़े फ्लेक्सिबल या लचीले होते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, एवरीथिंग इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी कभी भी आप सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। जैसे हम हमेशा से ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जब भी अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो हमें सफ़ेद वस्त्र पहन के जाने होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन करके जाने होते हैं, लेकिन वेस्टर्न में क्या होता है ब्लैक कपड़े वहाँ पे पहन के जाने होते हैं। तो हमें ये कहाँ कैसे सीख रहे हैं हम, ये कैसे सीख रहे हैं हम, देख के सीख रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। क्या आप किसी की शोक सभा में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप चिल्ला चिल्ला के हंस हंस के बातें करेंगे किसी से कि हमें तो आपको बहुत दिन बाद देखा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो ये तरीका कहाँ से सीखा, कोई आपके घर पर आता है आप उसको पानी देते हैं, आप उसको चाय पूछते हैं, अगर मान लीजिए घर पर नहीं है तो आप उनको चाय पानी पूछेंगे, फिर आप चुपके से मम्मी पापा को फ़ोन करेंगे कि भाई ये रिलेटिव आए हैं, फिर वो घर पर आते हैं, यही करेंगे ना। ये आपने कहाँ से सीखा, या आपने घर से सीखा, इसकी कोई एजुकेशन थोड़ी ली थी आपने, क्या इसके लिए आपने कोई ट्यूटरिंग ली थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, या आपने घर से सीखा है। तो आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वूम से तो नहीं, खैर वूम के बाहर आने के बाद वूम हटा देते हैं, जब आप बाहर आ जाते हैं तब आप अपने कब्र तक, जब तक कि आप मर नहीं जाते तब तक आप सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग है। जैसे डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है ना, वैसे ही एजुकेशन भी क्या है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कहीं पर भी किसी भी से भी सीख सकते हो, इसमें एज भी मैटर नहीं करती कि किसी बड़े से ही सीखना है, आप किसी छोटे से भी कुछ भी चीज़ सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 50 साल या 55 साल के हो गए हो तो आपके पास फ़ोन आ गया है, अब आपको फ़ोन समझ नहीं आ रहा कैसे चलाते हैं, तो आपने किसी बच्चे से पूछ लिया कि बच्चे इसमें यूट्यूब कैसे चलाते हैं, मुझे भजन सुनना है या मुझे कोई न्यूज़ देखनी है, कुछ भी, कोई भी लेडी, कोई भी अंकल वगैरह आपसे मदद ले सकते हैं, या आपके घर के अंदर जो होते हैं वो मदद ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से उनका इतना है नहीं, इतना आंकड़ा या समझ लो उनको कभी इनके बारे में कुछ पता नहीं, तो किसी से भी सीखा जा सकता है। इसमें कोई प्लेस फिक्स्ड नहीं होती, मतलब आप घर में, घर के बाहर, नेबरहुड में, पार्क में, गार्डन में, क्लब में, कहीं पर भी सीख सकते हो, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। इसमें कुछ वो थोड़ी है, थिएटर में कैसे जाते हैं, लाइब्रेरी में कैसे एक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, सब कुछ ये आपको बाहर जाके सीखने को मिलेगा। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने से इतने बजे ये सीख पाओगे या इसी प्लेस पर सीख पाओगे, कुछ नहीं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, कोई करिकुलम नहीं, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आस पड़ोस से सीख सकते हो, आप अपने नेबर से सीख सकते हो। त्यौहार के समय पर हमें अच्छे कपड़े, मिठाई वगैरह बनानी होती है, ये सब भी आप दूसरों से सीखोगे, फ्रेंड से फ्रेंडशिप सीखोगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये आपको समाज सिखाता है, तो ये इनफॉर्मल है, ठीक है, सोसाइटी से सीखोगे आप कि किस कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चौकन्ना रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इनफॉर्मल होती हैं, इसको कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन, सिंपल। इसी के बीच में आती है, इसी के बीच में आती है जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है। नॉन फॉर्मल को हम इग्नू मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉन फॉर्मल का मतलब होता है डिस्टेंट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, जो आपको एक डिस्टेंस में मिलती है, यानी कि आप दूर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। ये फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के बीच में आती है, क्योंकि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में आती है नॉन फॉर्मल वाली, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमने फॉर्मल वाले से ले ली हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जैसे करिकुलम फिक्स्ड है, कितना पढ़ाना है, कितना सिलेबस है, वो सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन इसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती, कभी कभार बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको ओपन भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना SOL से कर लेंगे, DUE SOL से कर लेंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो ओपन लर्निंग अब तो पढ़ना और भी आसान हो गया है, यानी कि आप अपना जॉब करते करते भी पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एक सेटिंग में बैठकर ही पढ़ाई करनी है, आप डिस्टेंट मोड पे भी पढ़ सकते हो। और लोगों की बहुत सारी डिग्रियां भी डिस्टेंट मोड से होती हैं, जिनको आगे पढ़ने का शौक़ होता है, पढ़ना होता है, हम डिस्टेंट मोड से कर लेते हैं या फिर साथ में कोई कोर्स उठा लेते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन है या ओपन लर्निंग है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हो आप। कुछ फैक्टर्स इसमें फिक्स्ड होते हैं और कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे टाइम है, मतलब टाइम, करिकुलम, सिलेबस, ये सब कुछ फिक्स्ड है, कितना क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, मतलब वो जो भी सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं वो मिलते, तो कोई रेगुलर क्लासेस भी नहीं होती। सिंपल आपको इसमें एग्ज़ाम होगा आपका, आपको इसमें डिग्री मिलती है, आपको इसमें डिग्री मिलती है, मार्कशीट मिलेगी, है ना, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड कोई स्पेस नहीं होता, कोई जगह नहीं है कि यहीं पर आपको रोज़ आके पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं और कुछ चीज़ें इसमें फिक्स्ड नहीं हैं। और ये बहुत गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह की ये डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह, डिस्टेंस लर्निंग वगैरह, इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। जिसमें हमको पता है इग्नू के बारे में, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी 1984 में, उसके बाद 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। उसके बाद 1985 में इसका प्रावधान आया गया और तब ये पार्लियामेंट ने ये यूनिवर्सिटी को ओपन किया। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब अब तक के जितने भी सबसे ज़्यादा कोर्सेज हैं ना वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर है। दूसरा आपने एक NIOS भी सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, ये NIOS होता है। ये आप ये ट्वेल्थ में भी बच्चे कुछ NIOS से कर लेते हैं और इस तरह के नोएडा में इसका सेंटर है। बाकी तो कुछ इतना खास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पर पहली ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी BR अम्बेडकर वाली है, सिर्फ इतना समझ लो, दैट्स इट। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने एजुकेशन के बारे में सारा कुछ जितना पढ़ना था पढ़ लिया कि एजुकेशन क्या है। एक लैटिन शब्द से निकला है, एडुकेयर, एडुसियर एंड एडुकेटम। एडुकेटम मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग, एडुकेयर मीन्स पालन पोषण करना, टू रेज या टू ब्रिंग अप। और उसके बाद जो एडुकेयर था, जो सियर था, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, बच्चे की जो इनेट एबिलिटी है, उसके अंदर की जो आंतरिक क्षमता है उसको बाहर लेकर आना। फिर E+Duco भी हमने पढ़ा था, E मतलब विद इन एंड ड्यूको का मतलब है बाहर लाना, यानी कि बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट्स है उसको बाहर लेकर आना, E Duco। और उसके बाद हमने जॉन ड्यूई के बारे में पढ़ा, फिर हमने एडम्स का बाईपोलर प्रोसेस पढ़ा, जॉन ड्यूई का ट्राईपोलर प्रोसेस पढ़ा, फिर हमने उन्होंने जो कथन कहे थे फिर हमने वो देखे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा, फॉर्मल जिसमें सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन इनफॉर्मल में कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। इनफॉर्मल यानी कि आपको अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पिताजी से, बहन से, भाई से, नेबरहुड से, पार्क में, सब कुछ से आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर आता है नॉन फॉर्मल, जिसको हम डिस्टेंट एजुकेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको EVS का पेडागॉजी समझ आया होगा, इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं आज, ठीक है। सो ये है आपका एजुकेशन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी देखा, इसी के अंदर टाइप करना भूल गई हूँ मैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें जॉन ड्यूई के बारे में भी हमने पढ़ा। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकते हैं जिनको नाम ही ना पता हो जॉन ड्यूई कौन है, एडम्स कौन है, तो आज आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, यूज़ दैट, ओके।